हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लॉग ऑन टू गौरव। बाली सीरीज के एक और वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। अगर आपने इसके पहले मेरी बाली सीरीज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज, फ्लाइट्स टू बाली, वेयर टू स्टे इन बाली और माउंट अगुंग के ट्रैक के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाली आइटिनरी की। मैं बात करूंगा 8 दिनों की आइटनरी की, तो अगर आप 6 डे वर्किंग प्रोफेशन में हैं तो ये 8 दिनों की आइटनरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और लास्ट में मैं बात करूंगा 15 दिनों की आइटनरी की, तो अगर आप 2 हफ्ते का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, जो कि मेरा सजेशन है, आप लंबी छुट्टी पर ही जाइए अगर आप बाली जैसी जगह जा रहे हैं, तो आप उन 15 दिनों की आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाली एक बहुत ही ऑफबीट लोकेशन है, और अगर आप बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहाँ जितने ज़्यादा दिनों के लिए जा सकते हैं उतने ज़्यादा दिनों के लिए जाइए। फिर भी मैंने आइटनरी को लिमिटेड डेज के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा लंबी छुट्टी लेके नहीं जा पाते हैं। तो मेरी आइटनरी है 8 दिनों की और 15 दिनों की, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 15 दिन के लिए जाइए, बिकॉज वहाँ जाने का खर्चा आपकी ट्रिप का लगभग 50% होता है। सो बाली में बेसिकली कुछ लैंडस्केप्स हैं और कुछ मैनमेड थिंग्स हैं जो हमारे इस आइटनरी के सेंटर में रहेंगे। तो अगर हम नेचुरल लैंडस्केप की बात करें तो वहाँ पे हैं बीचेस, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स। और अगर हम मैनमेड चीज़ों की बात करें तो वहाँ पर हैं यूनिक और ब्यूटिफुल टेम्पल्स। तो इस आइटनरी में मैंने दोनों का ब्लेंड रखा हुआ है, बट क्योंकि मेरा रुझान टूवर्ड्स नेचुरल वंडर्स ज़्यादा रहता है, तो आपको वो टच भी इस आइटनरी में देखने को मिलेगा। बट अगर आप वहाँ के कल्चरल और मैनमेड लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं और ऐसे टेम्पल विजिट्स के दिन या ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं 8 दिनों की आइटनरी की। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपना ऑफिस करके सैटरडे को शाम की फ्लाइट्स दिल्ली से या किसी और सिटी से आप पकड़ेंगे डेनपसार की। ये फ्लाइट आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। फ्लाइट्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरा आप फ्लाइट्स टू बाली वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइटनरी की शुरुआत मैं करता हूं day 1 से, जिस दिन को आप सुबह सुबह बाली पहुंच जाएंगे। अगर आपकी फ्लाइट लेओवर वाली है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो हो सकता है कि आप सुबह के 10-11 बजे तक पहुंचे, और अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो आप सुबह के 8-9 बजे तक बाली पहुंच जाएंगे। बाली पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट से निकलिए और अपना बेसिक काम वहां पे कर लीजिए, जैसे कि मनी एक्सचेंज और सिम का। मनी एक्सचेंज कहां से करना है, कैसे करना है, आपको कहां से बेस्ट रेट मिलेगा, मैंने मनी एक्सचेंज वाले वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस को रेफर कर रहा हूं यहां पे, बिकॉज हर टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा है और आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। तो मैंने जितना पॉसिबल था उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मनी एक्सचेंज और सिम जैसी चीजों को आप निपटाने के बाद आप अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। जनरली बाली में होटल का चेक इन टाइम afternoon 2 PM का होता है, तो ये काफी लेट चेक इन है। तो अगर आपकी फ्लाइट पहले थी, लाइक सुबह के 8-9 बजे थी, तो आपको हो सकता है रूम अलॉट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लगेज उस होटल में रख सकते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ इट। और लगेज रखने के बाद आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं और मनी एक्सचेंज और सिम जैसे काम को निपटा सकते हैं। पहले दिन आप कूटा, सेमनियाक, चेंगू जैसे एरिया में रुके, जो कि मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको मनी एक्सचेंज, सिम, स्कूटी ये सब आसानी से मिल जाएगा। आप पहले ही दिन डीप इनसाइड उबोड या फिर नॉर्थ बाली वगैरह ना जाए। तो अगर आप उस स्टे की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो जहां भी आपका होटल होगा वहां आसपास आपको ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट थी या फिर लेओवर वाली फ्लाइट थी, दोनों ही केस में आप हो सकता है थके हों, आपकी रात की नींद पूरी ना हुई हो, तो आप आफ्टरनून का समय लंच के बाद थोड़ा सा आराम कर लें, रिफ्रेश हो जाएं और नए टाइम जोन से सूट कर लें अपने आप को, बिकॉज बाली का टाइम जोन हमसे 2.5 घंटे आगे है। तो आप सेटल हो जाएं वहां पे, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर लें, जब आप तब आप वहां पे घूमने निकलिए। पहली शाम को आप जा सकते हैं चेंगू बीच या सेमनियाक बीच, होपफुली आपके होटल के पास में होगा अगर आप कूटा, सेमनियाक या चेंगू एरिया में रुके होंगे। ये बीच बहुत ही शानदार है और यहाँ पे पार्टी वाइब्स हमेशा रहती है, तो आप पहले दिन
ज्यादा सिक्लूडेड प्लेस में ना जाके लोगों के बीच रहेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। और रात होते होते आप यहाँ के बीच क्लब में जा सकते हैं जो कि यहाँ पे बहुत भर भर के है। ये हो गया आपका डे वन इन बाली। डे टू की शुरुआत करें तो क्योंकि लास्ट डे अगर आपने बीच क्लब्स में एंजॉय किया है तो आप आराम से उठिए, आप 9 बजे तक उठ सकते हैं और फिर आप निकल जाइए लेके लेके और नुंगनुंग वाटरफॉल के लिए। ये आपका होने वाला है पहला नेचुरल वाटरफॉल्स के साथ डीलिंग यहाँ पे, और ये दोनों वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग है। पहले आप लेके लेके वाटरफॉल जाइए तो ये उबोद या फिर चैंगू सेमनेक एरिया से पास पहले आएगा और फिर उसके बाद आप नुंगनुंग वाटरफॉल जाइए। नुंगनुंग वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग है और आप भीगने के तैयारी से जाइए क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। और वाटरफॉल में इटसेल्फ आप अपने बेदिंग सूट लेके जाइए बिकॉज नॉर्मल क्लोथ्स आपके गीले हो जाएंगे तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से ये सोच के जाइए कि आप वहाँ भीगने वाले हैं, उस माइंडसेट से अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। नुंगनुंग वाटरफॉल से आप दोपहर के 3 बजे वापस निकल आइए क्योंकि आपको शाम को जाना है तान्हा लॉट टेम्पल। ये बाली के काइंड ऑफ वेस्ट कोस्ट में है और लगभग वहां से 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको तान्हा लॉट टेम्पल पहुंचने में। तो समय से आप निकल जाइए 3 बजे ताकि आप तान्हा लॉट टेम्पल पे सनसेट देख सकें। वहां पे सनसेट देखने के बाद आप फिर से किसी बीच क्लब में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे और बहुत सारे फेमस भी हैं लाइक फिन्स, ला बरिसा, तो आप एक दिन में एक कवर कर सकते हैं और अपनी शाम एंजॉय कर सकते हैं। अपनी ट्रिप के पहले 2 दिन आप एक ही होटल में रुक सकते हैं ताकि आपको बार बार अपना लगेज पैक ना करना पड़े और इसी एरिया के अराउंड की जगह आप एक्सप्लोर कर लें। थर्ड डे की मॉर्निंग आप चेकआउट कर लीजिए अपने होटल से और बैग पैक कर लीजिए और निकल जाइए एटीवी और रिवर राफ्टिंग के लिए। आपको करनी होगी एक कैब जो आपको आपके होटल से सुबह पिक करेगी, आपको रिवर राफ्टिंग और एटीवी करवाएगी, आपको शाम को राइस टेरेस में ले जाएगी और फिर रात होने पे आपको आपके उबुद के होटल में ड्रॉप कर देगी। तो आपको ये कैब बुकिंग एडवांस में डे टू में करनी पड़ सकती है या फिर आप सेम डे भी इसको होटल वालों की मदद से या फिर ऑनलाइन कैब एप्लीकेशंस की मदद से आप इसको बुक कर सकते हैं। राफ्टिंग और एटीवी राइड बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है बाली की। राफ्टिंग का लेवल बहुत ही सिंपल है तो इसमें काफी फन होता है और बहुत ही यूनिक लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और एटीवी में भी बहुत ही मजा आता है, अगर आपने एटीवी नहीं किया है तो यहाँ पे डेफिनेटली करना चाहिए। और बिकॉज यहाँ पे जो लैंडस्केप आते हैं कभी केव, कभी राइस फील्ड्स, कभी वाटरफॉल्स, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। ये एक्टिविटीज को आप दोपहर तक कंप्लीट कर लीजिए और दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद शाम को आप राइस टेरेसेस जा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल राइस टेरेसेस हैं तो आप अपने नजदीकी उबुद में जो राइस टेरेस है वहां जा सकते हैं या फिर एक जातिलू राइस टेरेस है आप वहां भी जा सकते हैं। शाम होते होते आप क्योंकि अब उबुद में आ गए हैं तो अगर आप उबुद के मार्केट एरिया में रुक रहे हैं जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आप वहीं रुकें, तो आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर एक बढ़िया सा डिनर करके आप आराम कर सकते हैं। डे 3 को मैं आपको थोड़ा जल्दी सोने का बोलूंगा क्योंकि डे 4 को हम निकलने वाले हैं सुबह सुबह उलनदानु टेंपल के लिए। उलनदानु टेंपल का व्यू सनराइज के वक्त बहुत अच्छा रहता है तो आप इंश्योर करें कि आप वहाँ 6 या 7 बजे पहुंच जाएं, उस समय वहाँ क्राउड भी कम होता है। उलनदानु को आप सुबह सुबह एक्सप्लोर करने के बाद नॉर्थ बाली की तरफ पड़ने वाले सिकुमपुल, फीजी और हिडन वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये तीनों वाटरफॉल का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो आप उलनदानु को जल्दी विजिट करके इन फॉल्स के पास चले जाएं ताकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले इनको एक्सप्लोर करने का। ये तीनों वाटरफॉल एक ही ट्रैक में आपको मिल जाते हैं, एक ही ट्रैक में आप नीचे आते हैं और थोड़ा बहुत साइड वाइज ट्रैक करके आप इन तीनों वाटरफॉल्स को विटनेस कर सकते हैं। और इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद आप आराम से वहां से लौटिए, आप शाम तक मे बी उबुद आ जाएंगे वापस, तो वहां पे आप उबुद मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी जगह है कुछ बाय करने के लिए, कुछ सोविनियर बाय करने के लिए और बहुत ही यूनिक चीजें बाय करने के लिए। आप उबुद मार्केट में ही डिनर कर सकते हैं और फिर आज के लिए इतना ही। अब क्योंकि आइटनरी 8 दिनों की है तो मैं आपको नूसा पेनेडा आइलैंड्स पे स्टे का नहीं बोलूंगा, इसलिए आप नूसा पेनेडा के लिए एक डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं जो कि आप इस ट्रिप के डे 5 को करेंगे। तो आप डे 4 को उबुद में ही किसी टूर प्लानर से आप नूसा पेनेडा आइलैंड्स की डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं और डे 5 को आप सनूर पोर्ट या जहां से भी उनका आइटनरी है डे ट्रिप का, आप वहां से बोट पकड़ के नूसा पेनेडा आइलैंड जा सकते हैं। नूसा पेनेडा आइलैंड में मैं लिस्ट आउट करूं, हालांकि उनका डे ट्रिप का एक शेड्यूल होता है खुद का, बट आप वहां पे ब्रोकन बीच, डायमंड बीच और शाम को अगर वो वहां रुकते हैं तो कैलिंगन बीच को देखना ना भूले, वहीं पे आपका लंच होता है डे ट्रिप्स में और शाम तक आप वापस आ जाते हैं। और शाम को लौटने के बाद मैं आपको बोलूंगा आप थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि आज ही के दिन हमने एक ट्रैक प्लान किया हुआ है। बाली में 2 फेमस माउंटेन्स हैं, माउंट बतुर और माउंट अगुंग, इन दोनों माउंटेन पे सनराइज ट्रैकिंग होती है जिसको हम आज ही डे 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डे 5 की नाइट में स्टार्ट होगा। अगर आप माउंट अगुंग का ट्रैक कर रहे हैं तो आप ये होगा रात के 9
बजे स्टार्ट, और अगर आप माउंट बतुर का ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो ये डे 6 के 1 बजे स्टार्ट होगा सुबह। और अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रैक करना चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने प्रोज एंड कॉन्स और सभी कुछ बताया हुआ है ट्रैक्स के बारे में, आप उसको जरूर देखिए। डे 6 को आप सनराइज देखेंगे माउंट बतुर या फिर माउंट अगुंग से, और सनराइज देखने के बाद आप वापस लौट के आ जाएंगे अपने होटल उबुद में। तो अगर आपने माउंट बतुर ट्रैक किया है तो आप तकरीबन 9 बजे तक वापस अपने होटल आ जाएंगे, बट अगर आपने माउंट अगुंग ट्रैक किया है तो आपको आते आते लगभग दोपहर के 12 बज जाएंगे। आप लंच करके रेस्ट कर लें क्योंकि डेफिनेटली आपकी काफ मसल्स सोर हो चुके होंगे, और अगर आपने माउंट अगुंग ट्रैक किया है तो आप आके लंच करके आप सोने वाले हैं फॉर द एंटायर डे, और अगर आपने माउंट बतुर किया है तो मे बी कपल ऑफ आवर्स के रेस्ट से आप रिलैक्स हो जाएं। यू कैन टेक अ स्पा एज वेल, आप अपने होटल में इसकी सर्विस ले सकते हैं, और बालिनीज मसाज जरूर ट्राई करिए, दैट्स रियली अमेजिंग। तो वो करने के बाद आप रात में अगेन थोड़ा मार्केट वगैरह घूम सकते हैं और फिर आप सो जाइए आराम से। अब आते हैं डे 7 पे। डे 7 को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ ऑफ बाली आइलैंड्स, दैट इज उलुवाटू एरिया। डे 7 को आप अपने नॉर्मल टाइम पे उठें, ब्रेकफास्ट करें होटल पे और निकल जाएं उलुवाटू एरिया के लिए। उलुवाटू एरिया में आप जा सकते हैं गरुण विष्णु कल्चरल पार्क, एंड उलुवाटू में बहुत सारे वंडर्स हैं, बहुत सारे बीचेस हैं, तो आफ्टरनून में आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैफेज विजिट कर सकते हैं, और शाम को आप उलुवाटू टेम्पल में सनसेट देखिए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही हाई क्लिव्स हैं जहां से आपको समुद्र दिखता है एंड ऑन द होराइजन आपको सनसेट दिखता है, तो बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है ये, और ये आपका आखिरी सनसेट होगा बाली का। आप उस सनसेट को देखने के बाद मे बी अगेन आप कूटा सेमनिया के चेंगू एरिया में फिर से किसी बीच क्लब में जा सकते हैं, और ये आपकी लास्ट पार्टी होगी बाली की। क्लब में जाने के बाद इसी के साथ हमारा डे 7 खत्म होता है। डे 8 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी मॉर्निंग फ्लाइट होगी, बिकॉज 7 आवर्स लगते हैं, तो शाम होते होते तक आप इंडिया वापस पहुंच जाएंगे, और डे 8 की नाइट आप अपने घर में बिताएंगे। इसके साथ ही ये 8 दिनों की आइटनरी यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि इसको 8 दिनों में मुझे कॉम्पैक्ट करना था बाली को, इसलिए ये आइटनरी निकल के आती है। बट अगर आपके पास 15 दिन होते हैं, आप 2 हफ्ते लेके जाते हैं, इसमें काफी चीजें ऐड हो जाती हैं, काफी एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं, और बहुत सारे यूनिक प्लेसेस हैं जो आप 8 दिनों में मिस कर जाएंगे, वो आप 15 दिन में उनको कवर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी लेआउट जो रहता है हमारा आइटनरी का 15 दिन की भी, वो भी यही रहता है, बट हम नूसा पेनिडा आइलैंड में कुछ दिन स्पेंड करते हैं, हम वहीं रुकते हैं, जिससे हमको समय मिलता है केलिंगन बीच में नीचे जाके सनसेट विटनेस करने का, जो आपको डे टूर्स में डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और डे टूर्स में जो क्राउड रहती है वो नूसा पेनिडा आइलैंड्स में रुकने में नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। आप नूसा लेमोंगन आइलैंड भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 15 दिन है। आप नॉर्थ में अप टू लोवीना बीच जा सकते हैं और वहाँ पे डॉल्फिन वॉचिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिटगुल एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारी यूनिक प्लेसेस हैं जिनको आप 8 दिनों की आइटनरी में मिस कर रहे होंगे, उनको आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा ईस्ट ऑफ बाली सिडबिन एरिया और लंगानगन स्वीट जैसी जगह है जहां पे आप नहीं जा पाए अपने 8 दिनों की ट्रिप पे, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ये 15 दिनों की आइटनरी क्विकली यहां पे मैंने शो की हुई है। स्टे के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप स्टे की वही गाइडलाइंस को फॉलो करिए। मैंने उसमें बताया हुआ है कौन कौन से पॉपुलर एरिया हैं और कहां से क्या चीज कितनी दूर है और कौन सी गलती आप कर सकते हैं होटल बुकिंग में, वहां पर उस बात का आप ध्यान रखें। तो स्टे के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो फॉलो करें। मनी एक्सचेंज और करेंसी कन्वर्जन के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोज हैं डेडिकेटेड, आप उनको रेफर करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको कैसे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिल सकता है इंडियन रुपीज का इंडोनेशिया रुपया के लिए। और बेस्ट फ्लाइट वाला वीडियो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं बाली जाने के और कैसे आप चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। और फिर मेरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वीडियो तो ऑलरेडी है ही, जिसमें 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो बाली ट्रिप में जाने के लिए एकदम रिक्वायर्ड है। इस आइटन वाले वीडियो में मैंने कॉस्ट की बात नहीं की है, बिकॉज कॉस्ट डिपेंड करती है उन सभी वेरिएबल्स पे, लाइक आपकी फ्लाइट, आपके स्टे का तरीका और आप कितनी जगह विजिट कर रहे हैं। वो सारी कॉस्ट मेरे व्लॉग्स में आती रहेगी। बाकी मैंने अपना डेली एवरेज खर्चा बाली करेंसी एक्सचेंज वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि पर डे कितना खर्चा होगा। अगर मैं अपने ट्रिप की बात करूं तो पर डे 10,000 रुपीज का खर्चा होता है। अगर आप 11 डेज की ट्रिप पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज आप मान सकते हैं जो वहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर होता है अदर देन होटल बुकिंग एंड द फ्लाइट्स। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बाली आइटनरी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।